एक चीज सिखाया सब लोगों ने, क्वेश्चन एवरीथिंग, सवाल करना शुरू करो। और सवाल हम कर देते हैं अपने समाज से तो वो भी मुझे गाली देता है, ये भी भक्त लोग बैठा हुआ है सब, कोई सवाल नहीं करता है। जाकर अरे बाबू लोग चंदा देने वाला क्लास ही खत्म हो जाएगा, लेते रहना ताली बजाते रहना, क्योंकि पीड़ा और दर्द हम जानते हैं। अगर मैं कुछ ना बोलूं, सिर्फ कुछ नहीं बोलूं, तो मुझे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा बंगला में रह रहे हैं। आज इस देश में एक भी दलित सीएम है? एक भी? एक नाम बताइए मुझे, एक भी दलित सीएम नहीं। कोई हलचल नहीं हुआ उनके समाज में, कोई ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ बनिया हलचल नहीं किया। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीएम बन गया, उड़ीसा में ट्राइबल सीएम बन गया, झारखंड में हेमंत सोरेन अपने बल पे सीएम है, कितने सीएम हुए। मेरा तो छोड़ ही दीजिए, मेरा तो हिसाब किताब अलग ही है, कितने एफआईआर होंगे, कितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी केसेस चल रहे हैं, विदेश जाने भी पाबंदी है, छुट्टी नहीं मिल सकता है, प्रोफेसर को किताब लिखने के लिए छुट्टी नहीं मिल सकता है, प्रमोशन भी 6-8 साल से मेरा भी रुका हुआ है, जबकि कोई रिश्ता नहीं है एफआईआर से, प्रमोशन का छुट्टी का कोई रिश्ता नहीं है। हमारे नेताओं को कभी ये सूझता नहीं है कि उनके समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लगातार सालों भर 24/7 काम करते रहते हैं, जिनका लाभ उनको राजनीतिक लाभ मिलता है, इनकी आवाज़ संसद में उठाएं और प्राइम मिनिस्टर को और शिक्षा मंत्री को घेरें वहाँ पर। हम जाते हैं अगर लीडर्स के पास, धर्मेंद्र जी हमारे दोस्त हैं पुराने, और यकीनन मैं जो कह रहा हूँ उनको सेकेंड करेंगे कि हम लोग लीडर्स से मिलते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ मांगने नहीं जाते हैं। जब भी जाते हैं तो बोलते हैं रोस्टर वाला आंदोलन है, भारत बंद करना है, इस पे साथ दीजिए, कभी अपने लिए नहीं मांगा। समाज की लड़ाई लड़ते हैं और उसका व्यक्तिगत कॉस्ट हम लोग चुकाते हैं, जबकि बीजेपी आरएसएस जिसकी बात कर रहे हैं, उनका एक छोटा सोच छोटा अदना सा भी आदमी होता है, उसके प्रोटेक्शन में सारी कायनात उतर आती है। कैसे जीतोगे? कोई तरीका है? कास्ट संसद सोशल जस्टिस की बात हो रही है, मैं एक आर्टिकल लेख अंबेडकर का बार बार पढ़ता हूँ और आप सबको पढ़ना चाहिए अगर क्लैरिटी रखना है तो। मैं दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। करोड़ों की आबादी को नकारने का प्रयास, अंबेडकर की राइटिंग है ये, अस्पृश्यों के संदर्भ में कह रहे थे 1930 के दशक में। इसको खाली एक्सटेंड आप कर दीजिएगा तो सबके ऊपर लागू हो जाएगा, ये कास्ट सेंसस नहीं करना। मैं यहां सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस के पक्ष में खड़ा हूं, लेकिन मेरा क्रिटिकल नजरिया है कि इसको आप पढ़ लीजिए, पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ये कास्ट सेंसस नहीं करना मतलब करोड़ों की आबादी के अस्तित्व को नकारने का ही प्रयास है। और देखिए लीला, मैं सोचता भी हूं थोड़ा कभी कभी, कास्ट सेंसस को लेकर कालेलकर साहब की बहुत आलोचना करते हैं सूरज जी, लेकिन मैं समझता हूं कालेलकर साहब बहुत ईमानदार आदमी थे। उन्होंने जो फाइंडिंग्स की वो सही फाइंडिंग की, तभी ना उन्होंने कहा ईमानदारी से कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर आज उन्हीं के समुदाय के लोग अगर कास्ट सेंसस कमिश्नर बने तो आज रिपोर्ट में वो घालमेल कर देंगे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में घालमेल नहीं किया, कहा कि मैं सहमत नहीं हूं। कास्ट सेंसस को लेकर जो इसका विरोध कर रहे थे, उनका नजरिया जो उस समय था 1911 में, पूरा हिस्ट्री इसमें लिखी हुई, मैं 3 बार पढ़ चुका हूं उसको, वही नजरिया उनका आज भी बना हुआ है, सेम। दलित को लेकर ओबीसी का जो नजरिया उस जमाने में था मोर और लेस, वही नजरिया आज भी है। लेकिन जो कास्ट सेंसस का विरोध करते हैं, दिलचस्प बात यह है कि आज भी वो अपनी जाति की संख्या बता रहे हैं। सोचा कभी आपने? जो कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी जाति की संख्या इतनी है, तो भाई जब कह ही रहे हो तो सेंसस ही करा लो ना, फिर विरोध किस बात का? ये सुना है कि नहीं? 40% हाँ, कहीं 15%, कहीं 40%, वो भी अपनी जनसंख्या प्रतिशत बता रहे हैं।
और कह रहे हैं तब भी हम विरोध करेंगे। अरे भाई आपका ज्यादा होगा ज्यादा ले लेना, हम लोग को जो मिला हुआ है वो भी छीन लेना, कराओ ना। अभी सब कैटेगराइजेशन आ गया, क्रीमिलेयर भी आ गया, मोदी जी कराओ ना, सब कैटेगराइजेशन करो ना, क्रीमिलेयर भी लगाओ ना, किसने रोका है? फुल फ्लेज्ड मेजोरिटी है, एनडीए तो है ही ना, बीजेपी नहीं तो एनडीए है, किसी ने रोका है? नहीं। तो ये सब स्टंट चलता है, वन नेशन वन इलेक्शन, सब कैटेगराइजेशन करो ना, उसके लिए आंकड़े लाने पड़ेंगे ना, कहां है आंकड़े? भाई एक बात सोचिए, दलित समुदाय के लोग, अंबेडकर को देखिए, ओबीसी रिकमेंडेशन डाला 340, ओबीसी इशू पर रिजाइन भी किया, फॉर देयर वर फोर मेन रीजंस फॉर हिज रेजिग्नेशन एंड वन ऑफ द रीजंस वाज द ओबीसी कमीशन। मंडल कमीशन वाले मूवमेंट में कांशीराम भी एक्टिव थे, अभी कास्ट सेंसस में पूरी दलित समुदाय एक्टिव है, सोशल जस्टिस ओबीसी लागू हो ओबीसी समुदाय भी उसमें शामिल है, लेकिन एससी एसटी का कास्ट सेंसस करना जो मैंडेटरी था हर 10 साल पर होना था वो नहीं हो रहा है, इस पे किसी नेता की आवाज सुने? भाई जो होना है देखा जाएगा, लेकिन इनकी तो पहले करो कि मोस्ट डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उसका भी मैंडेटरी भी नहीं हो रहा, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, वो फंसा के रखे हुए, मुझे लगता है कहीं पेज फंसा हुआ है, उसका भी तो करते। आपने इसे आवाज उठाई, लिखा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का करो, संसद में आवाज उठी? नहीं उठी है, दलित नेता भी नहीं उठा रहे, दलित लोग तो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, वो अब डुगडुगी बजाया जा रहा है हर जगह, उनकी हकमारी हो रही है, सेंसस नहीं हो रहा, इसमें कोई सवाल नहीं है। बहरहाल बिहार में कास्ट सर्वे हुआ और मुझे समाज से समस्या है, खाली नेताओं से बात छोड़ दीजिए सूरज जी, मैं आपसे आंशिक सहमति है, जितने दलित आंदोलन अभी हुए हैं नेता के ऑर्डर का आदेश कर रहा था, आप रोस्टर के आंदोलन में थे, लक्ष्मण था, अरविंद तमाम लोग थे, हमने नेता के आदेश का इंतजार किया, जागृत समाज कभी नेता के ऑर्डर का इंतजार करता है? अभी 21 को हुआ, जिनकी सहमति असहमति हटाइए, किसी नेता के ऑर्डर का किसी ने इंतजार किया कि नेता बोलेगा तभी हम सड़क पर उतरेंगे? अरे असली बहुसंख्यक तो यहां ओबीसी समाज है, रफ डेटा भी है तो 52% है, और 52% होने के बाद अगर आप सेंसस नहीं करा पा रहे हो, एनएफएस पा रहे हो, निजीकरण नहीं रोक रहे हो, तो काहे का बात कर रहे हो? फिर गुदगुदी वाला भाषण अभी देंगे ना तो बड़ा खुश हो जाओगे, जाकर रात में सोओगे सब अच्छा से, धर्मेंद्र जी टिकट दिलवाएंगे अब अगली बार। 52% 75% पता नहीं कैसे कह रहे हो, लेकिन लड़ नहीं रहे हो ना, सिस्टम जान रहा है कि कायर है ये, संघर्ष नहीं करेगा अपने लिए, कोई दूसरा लाके इसको देगा तब देव ना मुझे देव, लड़ेगा कौन? जिस समय अंबेडकर कह रहे थे 1932 में कि आप लोग अपने लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगो, आप कह रहे थे नहीं मुझे अनटचेबल वाले में ही डालो, क्योंकि सबसे आसान तरीका था कि आप लड़के लाए हो, हम भी शेयर ले लेंगे, वो कह रहे थे कि अलग से मांगो, हम लोग सपोर्ट करेंगे, ये लड़ाई उसी समय खत्म हो गई रहती, लेकिन वहां जो स्थिति थी आज भी मैं वही समझता हूं, सबसे पहले वही समाज आगे बढ़ता है जो सबसे मोस्ट जो बैकवर्ड है उसकी लड़ाई लड़ता है, आप कह रहे हो मुझे ही दे दो। ये इसके सीरियसनेस को समझिए, फ्री में आरक्षण मिला आपको, कोई आप सड़क पर कोई कुर्बानी हुई, कोई लड़ाई लड़ेगा? वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, उनका समाज तो उनको भूल ही गया, हम भी भूल गए, ये ऐसा एहसान फरामोश समाज हम, कितने लोग अर्जुन सिंह की जयंती मनाते हैं, हम सूरज जी मिलते थे जब एचआरडी मिनिस्टर थे लगातार कि सर ये वाला कीजिए, मनाते हैं, कोई कल्चर नहीं है, संस्कार नहीं है, खाली नंबर से हम पूरा जीत लेंगे, सॉरी भेड़ बकरी कभी शासक हुक्मरान नहीं बनता,
हुक्मरान बनने के लिए यहाँ ब्राह्मण केंद्र बिंदु है, एक भाषण और पड़ा हुआ है कि शिक्षा जरूरी नहीं है रूलिंग क्लास बनने के लिए, उच्च शिक्षा जरूरी है। कोई फोकस है? आप लोग तो प्रोफेसर लोग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, अपने बच्चों को क्या ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करवाओगे? गंभीर सवाल छोड़ रहा हूं। दूसरा दो दो पॉइंट, अब मुझे लगता है टाइम हो गया, बता देना भाई किधर है। क्या ओबीसी समाज में, अभी कास्ट सर्वे हुआ है, मैं बिहार से आता हूं, ठेठ बिहारी हूं, इतिहास पढ़ाता हूं, इतिहास पढ़ता हूं, दिल्ली में रहता हूं, और मुझे अपनी अस्मिता पे, हर तरह की अस्मिता पे गर्व है, हर तरह की अस्मिता पर। कास्ट सर्वे हुआ है, सेंसस नहीं हुआ है। अब देखिए हमारे समाज की अंडरस्टैंडिंग, सब जात का नंबर आ गया, सारी की दिलचस्पी, यहां भी जितना बैठे हुए ना, 70% की दिलचस्पी होगी हमको टिकटवा कैसे मिलेगा। राज्यसभा में भेज देंगे तभी बोले हमारा तो 8% है, हमको लोकसभा में 2 चाहिए। सारे के कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे है। ये जाति को मिला था रिप्रेजेंटेशन, कि जमात को, कम्युनिटी को मिला था। अगर जातियों के हिसाब से हम अगर सबको टिकट देने लगे तो अखिलेश जी के पास भी टिकट कम पड़ जाएगा, तेजस्वी यादव के पास भी कम पड़ जाएगा, राहुल गांधी के पास भी कम पड़ जाएगा, शायद बहन जी के पास कम ना पड़े। यहां से दिल्ली से लेकर पटना तक संसद भवन बनवाना पड़ेगा। हमारा समाज ये क्यों नहीं समझता है कि एक कम्युनिटी का, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, बैकवर्ड कम्युनिटी, मोस्ट कम्युनिटी, एक कैपेबल आदमी को हाउस में भेजिए, एक सक्षम आदमी को भेजिए जो वहां जाके आर्गुमेंट कर सके, आपके हितों की रक्षा कर सके, आपके बच्चों के स्कूल, उसको फ्यूचर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की रक्षा कर सके। ऐसे सब जात कह रहा है कि हमको नेता बनाओ, तो क्या जरूरी है? प्रोफेसर भी कह रहा है कि हमको टिकट दो। अरे आप हिस्टोरियन बनो ना, कहां हिस्टोरियन है बताइए, कहां हिस्टोरियन है? अरविंद बताओ कितने हिस्टोरियन है देश में, प्रोफेशनल हिस्टोरियन कह रहा हूं, कुंजी छाप नहीं। कितने सोशियोलॉजिस्ट हैं, कितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं? ये जो गैप है, अरे भाई हमारा ही भाषण सुना रहा था। तो सबको समाज में ये भूख है कि हमें बिलियनायर बनना है, देश के इकोनॉमी में, उसके शेयर मार्केट में मेरी हिस्सेदारी चाहिए, विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी चाहिए, जिसको देखो टिकट मांगने के चक्कर में लगा हुआ है। और ये बात आरएसएस बीजेपी बहुत बढ़िया तरीके से समझता है, बोला अच्छा नहीं दिए समाजवादी पार्टी से, तुम इधर आ जाओ हम दे देते हैं, तुरंत ओवरनाइट इधर से उधर हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल क्लास को, खासतौर हम लोग एक क्लास, हमारे जो नेता हैं उनको एक थर्मामीटर रखना चाहिए कि वाकई सेकुलर है कि नहीं है, कि पॉलिटिकल सेकुलर है। आरएसएस बीजेपी के आदमी ला के आप चुनाव लड़वा रहे हो, उससे उम्मीद करो ईमानदारी से कास्ट सेंसस और इस पर वो चर्चा करेगा। सिंबोलिज्म सीखना है, अंतिम चलते चलते सिंबोलिज्म सीखना है ना। देखिए मैं सिर्फ लड़ता नहीं हूं, मैं सीखता भी, और एक छात्र का यही काम होता है। मैं डी एन झा शर्माली का स्टूडेंट रहा, शाहिद अमीन का स्टूडेंट रहा, सुमित सरकार को सुना, तमाम बड़े स्कॉलर को सुना, 27 साल तो पढ़ा भी चुका हूं। एक चीज सिखाया सब लोगों ने कि क्वेश्चन एवरीथिंग, सवाल करना शुरू करो। और सवाल हम कर देते हैं अपने समाज से तो वो भी मुझे गाली देता है, ये भी भक्त लोग बैठा हुआ है सब, कोई सवाल नहीं करता है कि आखिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन बर्बाद कैसे हुए। आपके बच्चे जो हैं वो सब इलिटरेट अनपढ़ बनेंगे, और जो जो जितने ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उनको चंदा मिलता है ना, सरकारी बाबू लोग ही देता है, वो सरकारी बाबू लोग चंदा देने वाला क्लास ही खत्म हो जाएगा, लेते रहना ताली बजाते रहना, क्योंकि पीड़ा और दर्द हम जानते हैं। अगर मैं कुछ ना बोलूं, सिर्फ कुछ नहीं बोलूं, तो मुझे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा बंगला में रह रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रहा है, और आम नेता से ज्यादा लोग हम लोगों को जानते भी हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन ये पूरा पेन, इतना थ्रेट, इतना केसेस किसके लिए उठाया जा रहा है? मेरी जमीन की लड़ाई है, सूरज जी की जमीन की लड़ाई है, वो जमीन की लड़ाई में लक्ष्मण जाता हूं क्या बाहर? ये कब आप समझेंगे? जिस समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास की प्लैंड हत्या हो रही है, और समाज उसमें चुप मौन रहे, रूलिंग क्लास मौन रहे। जब मेरी गिरफ्तारी होती, दिग्विजय सिंह का पहला ट्वीट आता है, हमारे दलित नेता सब बैठ के यहां लुटियन जोन में एसी में रहने की आदत है, खा के एकदम आराम से भात मछली खा के सोया हुआ था।
कि आप सिंबलिज्म सीखिए आरएसएस से। शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 7.5% है और कोई हलचल नहीं हुआ उनके समाज में, कोई ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ बनिया हलचल नहीं किया। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीएम बन गया, ओडिशा में ट्राइबल सीएम बन गया, झारखंड में हेमंत सोरेन अपने बल पर सीएम है, कितने सीएम हुए? 3। और नॉर्थ ईस्ट का तो मान लो सब उधर ट्राइबल ही ज्यादातर होंगे, मैं ज्यादा नहीं जानता नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो उसको पता है, रूलिंग एलीट है, क्लास है, उसको पता है किसको वीसी बनना है, किसको शेयर मार्केट में लाख करोड़ रुपया इधर से उधर करना है, किसको क्या करना है। तो नेता किसी को बना दो, एजेंडा हमारा चलेगा, और हमारे यहां सब कहता है हमको नेता बनाओ। आज इस देश में एक भी दलित सीएम है? एक भी? एक नाम बताइए मुझे, एक भी दलित सीएम नहीं है, क्योंकि इनको खाली पीएम बनने का चस्का लगा हुआ है। कांशीराम जी जो उन्होंने बहुजन समाज, पॉलिटिकल बहुजन समाज बनाया था, पॉलिटिकल बहुजन समाज कह रहा हूं, अभी समय रहता तो एक्सप्लेन भी कर देता, लेकिन उनकी विरासत जिन्होंने संभाला, उनकी विरासत जिन्होंने संभाला, उन्होंने गालीबाजों की, दलालों की और फ्रॉडों की एक फौज खड़ी कर दी। उनको सहमति, डिस्कोर्स करना, संवाद करना नहीं आता, सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, राहुल सांपाल भी है इधर, अरे वही हुआ। कभी अंबेडकर ने एक लाइन भी कहीं लिखा हो पूरे राइटिंग्स में कि हम इस देश के बहुसंख्यक हैं, आप मुझे लेके दिखा देना, उस दिन मैं यहां दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा। बोलो, रेपिटेडली ही वॉज राइटिंग, ही वॉज सेइंग वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ। अरे दलित लोग ख्वाब में पापा लिया है, अब मना करो कि यार बार्गेनिंग करो, एजेंडा सेट करो जैसे अंबेडकर करते थे, नहीं हम वो पीएम बनाओ, रात भर झाल बजाता है सपने में, एक भी सीएम नहीं है आज। अरे नौजवानों जरा पढ़ो लिखो, जरा पढ़ोगे तो संवाद करो, दलित दलित सर, वो कांशीराम का विरासत सब लिया हुआ, गाली सीखा, किससे सिखाई, किस यूनिवर्सिटी में सीखा, जाइए आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखिए या फेसबुक पे, ये बहुजन समाज, ये रूलिंग एलीट बनेगा जिसको संवाद करना नहीं आता है, डायलॉग करना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, और करे सेंसर कराओ तो क्या हो जाएगा सेंसर, आरएसएस बीजेपी सबको चबन्नी ठंडी पकड़ा देगी। साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर आपके अंदर नहीं है, आप खुद स्पेस एक दूसरे को आप नहीं दे सकते हो। इतने पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ दलित सीएम बनाए होंगे पहले, लेकिन 5 साल कोई पूरा नहीं कर पाया, एक्सेप्ट बहन जी उत्तर प्रदेश में। तो इतने जगह चुनाव हो रहे हैं, मुसलमान का दलित का वोट सबको चाहिए, लेकिन दलित लीडर नहीं चाहिए, मुसलमान लीडर नहीं चाहिए, कहीं डिप्टी सीएम भी एक मुसलमान नहीं है। क्या आज बिरयानी खिलाओगे ना? तो क्यों सिर्फ वोट हमें, एंड सारे राइट्स जा रहे हैं, नेता बहुत हो रहे हैं हमारे, आंदोलन बहुत हो रहे हैं, संगठन बहुत खुल रहे हैं, और सारे राइट्स ग्रेजुअली खत्म हो रहे हैं, उस पर कोई भारत बंद नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, नीतीश कुमार जी सोशल जस्टिस के चैंपियन हैं, 2016 में SC/ST का स्कॉलरशिप खत्म कर दिए, उनको तो OBC का लागू करना चाहिए था, उसको बढ़ाना चाहिए था, फॉरेन स्कॉलरशिप लाना चाहिए था, तो ऐसे सोशल जस्टिस के लीडर होंगे हमारे। इधर जितन नाम मांझी लटकंपू लीडर, लटकला तो गईला बेटा, कभी इधर तो कभी उधर, आ कह रहे हैं कि सब कटेक्शन, एक दिन उनके साथ में मंच पे था, आप 2 मिनट बोल लेता हूं, भाई ठहर जा अभी इंजन गर्म हुआ है, बोले हमारा खा गया, हमने हाँ बर्गर था खा गया। बोले आप सीएम रहे, आप अपने समुदाय के लिए, आप अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चुनौती हमारी है अपने समुदाय के लिए एक इंग्लिश मीडियम 100 बच्चों का रेसिडेंशियल स्कूल गया में खोलो, कोई मना करेगा? आप लोग मना करेंगे कोई? अरे हम लोग चंदा देंगे, 10,000 मेरे तरफ से चंदा रहा, चलो खोलो। तो पढ़ाएंगे नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल नहीं खोलेंगे, हॉस्टल नहीं खोलेंगे, खाली उनका वोट लेके सत्ता में हेरा फेरी करेंगे। चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कितने सवाल उन्होंने मोदी सरकार पे उठाए, जो प्राइवेटाइजेशन के सवाल पर, सिंबोलिज्म बात मत करो कि आरक्षण हम मंत्री छोड़ देंगे, आरक्षण ये होगा वो होगा, ऐसा बोलो मत, आरक्षण है कहां पर, लिए बताओ मुझे, धर्मेंद्र जी आंकड़ा मांगेगा इस बार,
पूरा कंप्लीट। तो जैसा नेता वैसा फॉलोअर है। हम इस दलित समाज जो पूरा लुटियन जोन में रहता है, फेलोशिप खत्म है, मामला फ्रीशिप खत्म है। मेरे पास रोज फोन आते हैं कि मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है, हम ले मेरे पास रिजर्व बैंक है, ठहर जाओ एटीएम निकालता हूं। दैट वॉज दी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन नेता सब क्या करता है अंदर, ये सवाल पूछो। आरएसएस बीजेपी ईमानदारी से उसको खत्म करना है, फेलोशिप स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी कॉलेज वो कर रहा है। व्हाट आवर लीडर्स आर डूइंग इन द हाउस, खाली सीएम बना दो पीएम बना दो, क्या हो जाएगा उससे। और इस समाज को भी मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग टिकट के चक्कर में मत पड़ो, कुछ लोग बिजनेसमैन बनो, मर्सिडीज में चलोगे अपना प्राइवेट जेट रहेगा, नेता बनोगे मूली मूली चोरी के आरोप में जेल भेज देगा, ऐसा है मोदी सरकार ने। हाँ, बिजनेस करो बढ़िया, एकदम प्राइवेट जेट में उड़ो, पूरा लग्जरी गाड़ी में रहो, एकदम 7-star होटल में ले चलो, हम लोग को भी खाना खिलाओ, पार्टी उटी करो। तो ये जो फ्यूडल जो माइंडसेट है ना कि एकदम स्कॉर्पियो में आगे दो राइफल वाला रहेगा, आगे चार पीछे चलेगा, अरे देखो अंबानी के पीछे कितना बॉडीगार्ड घूमता है, तो वो आइडियल नहीं है। बिलियनर नहीं बनना, अमर्थ से नहीं बनना, नोबेल प्राइज नहीं जीतना। तो ये सवाल आपके बीच छोड़े जा रहा हूं। अब मुझे बार बार पर्ची मिल रही है और मुझे लगता है मैंने ऐसे एक बार बोलू, ये सब मैं दलित वक्ता में ही हूं, इसलिए 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रखा। शुक्रिया। हमेशा की तरह बेबाक रतनलाल सर ने अपनी बेबाकी से बात रखी है और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि काका कालेलकर ईमानदार थे। अभी उनकी तरह सोचने वाले लोग हैं उसमें घाल मिल कर देते, डेटा में भी उन्होंने कह दिया कि डेटा में लागू नहीं कर सकता क्योंकि यह। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।